देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। जी हाँ, सीएम योगी के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य पूरे देश में बन गया है। सरकारी आंकड़ों में उत्तर प्रदेश जीडीपी में भागीदारी के मामले में तीसरे पायदान पर था। सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इस क्रिएटिव ग्राफिक के अनुसार देश के जीडीपी में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 15.7% है और वो पहले पायदान पर है। सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने तेजी से प्रगति की है। देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की बढ़ती भागीदारी, अब प्रतिष्ठित निजी संस्थाएं भी इस पर अब मोहर लगा रही हैं। बता दें, इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट पर नजर रखने वाले प्रमुख ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म यानी कि SOIC.in ने सेंसेक्स और CLSA यानी कि क्रेडिट लियोनिस सिक्योरिटीज एशिया पर आधारित एक क्रिएटिव ग्राफिक में बताया कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी के मामले में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। सरकारी आंकड़ों में उत्तर प्रदेश जीडीपी में भागीदारी के मामले में तीसरे पायदान पर था। बता दें कि क्रिएटिव ग्राफिक के अनुसार देश में जीडीपी में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 15.7% है और वो पहले पायदान पर है। बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो 9.2% भागीदारी के साथ वो दूसरे स्थान पर है। यूपी ने जीडीपी में हिस्सेदारी के मामले में तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को भी पछाड़ दिया है। कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्य यूपी से काफी पीछे हैं। बता दें कि 7 वर्षों में बदली प्रदेश की तस्वीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने बीते 7 वर्षों में हर क्षेत्र में तेज गति से प्रगति की। यूपी इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ चुका है। कानून व्यवस्था, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए सुधार के कारण ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से प्रदेश को करीब 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी मिले हैं। यूपी प्रदेश का निर्यात बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बैंकों का ऋण जमा अनुपात 42-43% से बढ़कर 56% हो चुका है। प्रदेश की 56% आबादी कामकाजी है। 96 लाख MSME इकाइयां स्थापित हुई हैं। ये उपलब्धि सीएम योगी के उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के साथ ही 2027 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करने में भी मददगार साबित होगी। फिलहाल हर कोई इस बात की तारीफ कर रहा है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था वाला दूसरा राज्य बन गया है।